नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद मी में। मैं हूं आपका दोस्त ब्रिजेश और लाया हूं आपके लिए एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट ऑफ UPPCL JEE एग्जाम 2018। जैसा दोस्तों आप देख रहे हैं, केस नंबर दिया गया है और पिटिशनर हैं अवनीश कुमार पांडे एंड 76 अदर। और जो रिस्पॉन्डेंट के जो किसके खिलाफ किया गया है केस, तो यूपी गवर्नमेंट्स एंड 6 अदर के खिलाफ किया गया है। और काउंसिल फॉर पिटिशनर हैं राहुल अग्रवाल और काउंसिल फॉर के हैं आपके SC अभिषेक श्रीवास्तव एंड राजेश श्रीवास्तव। तो जैसा कि आपको दिया गया है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इसमें जो जज साहिबा हैं संगीता चंद्रा जी, तो उन्होंने काउंटर फाइल सबमिट करने के लिए कहा था, तो ये उनको दूसरी बार टाइम दिया गया है काउंटर फाइल सबमिट करने के लिए। इसके पहले दिया गया था कि दिसंबर में ही आपको तकरीबन 14 दिसंबर के आसपास में काउंटर फाइल सबमिट करना था, तो उसमें वो जो विभाग के वकील थे उन्होंने काउंटर फाइल सबमिट नहीं किया था। तो उसी का फटकार लगाते हुए 22 दिसंबर की जो इसके पहली वाली हियरिंग थी, तो जज साहिबा ने कहा था कि आप जो है अगली जो डेट है 24 जनवरी तक आपको काउंटर फाइल सबमिट करना है, तो उससे पहले आपको टाइम जो है काउंटर फाइल सबमिट कर दीजिएगा। तो लेकिन आप भी देख रहे हैं दोस्तों, जनवरी है लगभग में, आज 14 जनवरी है और अभी तक जो है काउंटर फाइल सबमिट नहीं किया गया है। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो उनके जो जज हैं, सॉरी उनके जो वकील हैं, उनको बोला गया है कि आप अपने सेक्रेटरी को लेकर यहाँ पर उपस्थित हों। तो हम आपको बता दें, जो अगली जो डेट है दोस्तों आपको है वो 14 जनवरी। कब है दोस्तों? 24 जनवरी को डेट है, उसको आप याद रखिएगा। तो 24 जनवरी को इसकी नेक्स्ट हियरिंग है, तो उसी पर पता चलेगा। अभी तक तो काउंटर फाइल सबमिट नहीं हुआ है, बस यही बताने के लिए हम आपको ये वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों एक और बात आप लोगों से करनी है, जैसा कि आप लोग सब जान रहे हैं कि अगली वैकेंसी UPPCL में बहुत जल्द आने वाली है। तकरीबन आप मानकर चलिए कि वो वैकेंसी आपका फरवरी फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, फरवरी फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक जो है UPPCL JEE की फिर वैकेंसी आ रही है। तकरीबन आपको बताया जा रहा है कि 350 के आसपास में वैकेंसी आ रही है। तो दोस्तों हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि ऐसी जैसा इस बार हुआ है, जैसा कि इस बार नॉर्मलाइजेशन हुआ है और कई शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, तो आप उसमें तैयार रहिएगा। और हमारी ये मांग रहेगी कि जो एग्ज़ाम पूरा कंडक्ट किया जाए वो पूरा एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में किया जाए। ठीक है दोस्तों, ताकि इसके बाद जो जैसे हम लोग इस समय झेल रहे हैं, जो कुछ लोग हैं अच्छे लड़के हैं बेचारे, उन लोगों का नहीं हो पाया है, तो जो मुसीबत वो लोग झेल रहे हैं वैसा आप लोगों के साथ ना झेलना पड़े। तो इसलिए हम लोग पहले ही मांग करेंगे और पहले ही केस कर देंगे, जितने एग्ज़ाम कराया जाए वो केवल एक ही शिफ्ट में कराया जाए, या जिसमें जो नॉर्मलाइजेशन है, या बिल्कुल इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो आप इसके लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और कोई भी जानकारी होगी तो हम आपको तुरंत प्रोवाइड कराएंगे कि क्या करना है हमें क्या नहीं। इसको दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हम लोग के साथ। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।